in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. हेलो ऑल माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर वीडियो. मेरे तरफ से सबको, जितना भी सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, जो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जो भी मुझे बहुत प्यार देते हैं, उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत दीपावली एंड दिवाली का बहुत शुभकामनाएं हैं. बहुत ही सेफ दिवाली मनाइए और बहुत अच्छे अच्छे खाना खाइए, हेल्दी रहिए. और जो जैसे कि पटाखा जो रिस्ट्रिक्टेड है तो वो फॉलो कीजिए. हमारे एनवायरमेंट जो उसको सेफ रखने के लिए ये सारा छोटा छोटा स्टेप लेना बहुत ही ज़रूरी है. तो चलिए, आज मैं जो दीपावली से मुझे याद आया कि कुछ अच्छा करना चाहिए, हम लोगों को भी तो अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, तो इसी के ऊपर है, मैं दिखाऊंगी. तो चलिए, मैंने मेरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया. आपके पास जो भी क्लींजर है, फेस वॉश है, उससे आप अच्छे से फेस को क्लीन कर लो. तो मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया क्लींजर से और फेस पे कुछ भी नहीं लगाया अभी. तो फिर मैं अभी मॉइस्चराइजर करूंगी. मॉइस्चराइजर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे जो फेस है तो उस पर जो बेस वो अच्छे से बनता है और ऊपर से जो मेकअप की वजह से जो केकीनेस आ जाता है फेस में, तो वो भी ठीक हो सकता है. और मॉइस्चराइजर करना हमेशा ज़रूरी है क्लींजिंग के बाद, क्योंकि हमारे जो फेस में एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको रिमूव करते हैं. फिर मॉइस्चराइजर करना मतलब फेस को हाइड्रेट रखना, ये बहुत ज़रूरी है. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जॉय का मॉइस्चराइजर ले लिया, मैं इसको अच्छे से फेस पे लगाऊंगी. आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर होगा आप वो लगाइए. ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर कोई मॉइस्चराइजर है आप वो यही लेना होगा. आपके पास जो भी है चाहे वो ले सकते हो. मैं अच्छे से मॉइस्चराइजर कर लूंगी पूरा फेस पे. और मॉइस्चराइजर को ऐसे ही बिल्कुल अपवर्ड मोशन में लेना है आपको. दिवाली बस ऐसे नहीं है कि कोई फेस्टिव है, ये हमारे दिल में जो डार्कनेस होता है उसको भी रिमूव करने के लिए है ये फेस्टिवल. जैसे कि बाहर लाइटनिंग हो गए तो वैसे ही हमारे मन में जो है डार्कनिंग, जो डार्क थॉट्स है, मतलब जो भी आप नेगेटिव जो थॉट्स है उसको आप बाहर निकाल दीजिए. क्योंकि हम जब पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे और होपफुल रहेंगे, हमारे स्किन या हम खुद भी उतना ही हैप्पी रहेंगे और स्किन और भी ज़्यादा ग्लो करेगा. तो बस मैंने मॉइस्चराइजर कम्प्लीट कर लिया. अब जो है मैं प्राइमर यूज़ करूँगी. तो मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का प्राइमर ले लिया. तो मैं इसको अप्लाई करूंगी पूरा फेस पे अच्छे से, क्योंकि इससे एक ऑयल फ्री लुक देता है और इससे जो बेस बनाऊंगी, मतलब जो भी हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा. तो मैंने पूरा फेस पे अच्छे से प्राइमर लगा लिया. अच्छे से प्राइमर को मैंने पूरा फेस पे लगा लिया. अब मैं जो बेस मतलब फाउंडेशन उसको लगाऊंगी. जैसे कि आप देख सकते हो मेरा इतना डार्क, मतलब डार्क सर्कल्स मेरे आईज पे है नहीं, तो मैं बिल्कुल ही डार्क सर्कल्स के लिए जो भी आपको लगाना होता है यानी कि कंसीलर, वो लगाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है. आपको अगर है बहुत सारा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम तो आप बिल्कुल कंसीलर लगा के उसको छुपा सकते हो या करेक्टर से आप लगा सकते हो जहाँ जहाँ भी कोई आपको पैचिनेस दिखे. मेरे ऐसे कुछ है नहीं तो मैं वो कंसीलर को स्किप करी हो या करेक्टर को मैं स्किप करी हो, मैं डायरेक्ट फाउंडेशन ही लगाऊंगी पूरा फेस पे. मैं मेबलिन का फिट मी शेड 230 लगा रही हूँ अभी. इसको अच्छे से ब्लेंड करना है. आपके पास अगर ब्लेंडिंग ब्रश है तो आप उसी से कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा कॉटन से बिल्कुल ब्लेंड करना कंफर्ट फील करती हूँ, इसीलिए मैं इससे करूँगी ब्लेंड हल्के हाथ से पूरा फेस पे. ऐसे आप देख सकते हो. आपके पास है अगर ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश, तो आप उसी से कर सकते हो, लेकिन मैं इससे कम्फर्ट फील करती हूँ इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. पूरा डैप डैप करके आपको पूरा फेस पे लगाना है. और एक चीज फ्रेंड्स, जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल ऐसे लेना चाहिए जिससे आपके जो शेड है फेस का उससे मैच करे. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपसे शेड एक शेड ज़्यादा लाइटर लोगे तो उससे ना फेस को अगर मतलब ख़राब दिख सकता है, तो इसीलिए ये चीज़ को नोटिस रखना.
जब भी आप फाउंडेशन लगाओगे, मतलब जब भी आप फाउंडेशन खरीदने जाओगे, तब एक टेस्ट कर लेना हमारे जो फेस का कम्प्लेक्शन का जो भी शेड है, आप नेक्स्ट साइड पे यहाँ पे टेस्ट करके देख सकते हो। अगर फ्रेंड्स कभी भी बिल्ली की आवाज़ सुनाई दे तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारा बिल्ली है और डॉगी का भी आ सकता है शायद, तो प्लीज़ ये छोटा छोटा चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। तो मैं पूरा फेस पे अच्छे से फाउंडेशन लगा लिया। अब मैं लैक्मी 925 कंसीलर ले रही हूँ, जो कि ये है कंसीलर, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी हद तक हाइलाइटर की तरह काम करता है और ये बस हाईलाइट के लिए यूज़ करूँगी, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हाईलाइट करना चाहिए। अब अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया, तो मैंने पूरा फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब मैं ब्रोज बनाऊंगी। मैं ब्रोज हमेशा पेंसिल स्टिक से ही बनाती हूँ, तो मैं यहाँ पे बेयू का आईब्रो पेंसिल ले लिया। मैं हमेशा आईब्रो पेंसिल से ब्रो को सेट करती हूँ। मैं मेरे ब्राउज को अच्छे से सेट कर लिया दोनों तरफ। अब मैं आईज को सेट करूंगी। तो आईब्रो सेट करने के बाद मैं आई शेडो लगाऊंगी, तो इसके लिए मैं ले लूंगी आई शेडो पैलेट से, इनर कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी लगाना। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अब दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, जो भी मैंने दो शेड लिया। मुझे जो आई कॉर्नर पे, बिल्कुल इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा और डार्क चाहिए मुझे लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा और ले लूँगी। बिल्कुल ऐसा मैं और एक जो आईज है मेरा उसमें भी ऐसा कर लूँगी। अब मैं थोड़ा सा आईब्रोज के यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी। मैं यहाँ पे लैक्मी 925 का हाइलाइटर, अब मैं काजल लगा लूंगी कलर सेंस का। और लास्ट में मैं लगा लूंगी मस्कारा। फ्रेंड्स मैं आईलैशेस नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे आईलैशेस ऑलरेडी बहुत ही घना है और काफ़ी लंबा है,
तो बस मैं अब मस्कारा लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे आईलैशेस कितना ड्रामाटिक बन चुकी है। अब मैं कंपैक्ट यूज़ करूँगी इसको सेट करने के लिए ताकि थोड़ा ऑयली ना दिखे, बस बिल्कुल थोड़ा सा। बस अंडर आईज ही आपको करना है फ्रेंड्स। मैंने सेट कर लिया, मैंने यहाँ पे मेवलिन का कंपैक्ट लिया था, सॉरी मैं बताना भूल गई। और लास्ट में मैं शुगर का ब्लश प्लस कंट्यूरिंग ये ले लूँगी। मैं कंट्यूर और ब्लशर जो है मैं एक ही साथ करती हूँ और इसको थोड़ा सा ना डस्ट ऑफ कर लेना है। लास्ट में मैं हाईलाइट कर लूँगी फिर से मेरा चीक बोन पे और इनर कॉर्नर पे। अब बारी है लिपस्टिक का। मैं टू कलर्स मतलब बाई कलर करके मैं यूज़ करती हूँ हमेशा लिपस्टिक। सिंगल शेड भी आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं ऐसे करती हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगता है आप कर सकते हो, नहीं भी आप कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो। बस मेरा जो मेकअप है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ हेयर बन। और जल्दी जल्दी से मैं जो भी ज्वेलरीज है मैं वो पहनूँगी। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है शायद ये मेरे ये भी मैं पहन सकती थी। कौन सा अच्छा लग रहा है पता नहीं चल रहा मुझे। नहीं ये ठीक है तो मैं यही पहनती हूँ। लास्ट में मैं एक बिंदी लगा लूँगी। फिर मैं ये चूड़ी जी। फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है मेरा फेस्टिव लुक। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसा लगा और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका दिवाली कैसा गया। और जो भी है मतलब मैंने तो पहले बोला कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली सब कुछ करना चाहिए, सेफ दिवाली मनाना चाहिए। और मेरे तरफ से और एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा रहिए, खुश रहिए सबके साथ। ये जो दिवाली है वो खुशियों का त्यौहार है, तो उसको अच्छे से मनाइए सबके साथ। और कुछ भी गलती हो गई है इधर से उधर तो उन सबको थोड़ा सा इग्नोर करके बस माफ़ कर दीजिए मुझे। थैंक यू। और
बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो बाय बाय, आज इतना ही।